लोग रिश्तों में हदें पार करते हैं। मेरा एक ऐसा रिश्ता था जिसके लिए मैंने सरहदें पार कर दी। अब से 3 दिन बाद आ रहे हैं टाइगर श्रॉफ बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ने अपनी मच अवेटेड फिल्म बागी 3 के साथ। बागी 3 से तो टाइगर श्रॉफ इस बार 400 करोड़ का टारगेट बॉक्स ऑफिस पर सेट करेंगे। अब टाइगर कैसे बॉक्स ऑफिस पर लगाएंगे 400 करोड़ का चौका, बताते हैं आपको इसकी 4 बड़ी वजह। कल हम लोग का होने वाला है कम से कम 90-95 ब्लास्ट इन अ रो, सो वरीड एंड स्केयर्ड अबाउट दैट, क्योंकि उसमें टाइगर खुद लाइव भागने वाले हैं। देयर इज नो VFX। वॉच दैट। बागी सीरीज टाइगर के करियर की सुपरहिट फ्रेंचाइज रही है। पहली फ्रेंचाइज ने बॉक्स ऑफिस पर 126.96 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसमें टाइगर के साथ नजर आई थी श्रद्धा कपूर। फिर आई बागी 2, जिसमें टाइगर के साथ थी दिशा पटानी, और इस फिल्म ने भी बम्पर कमाई करते हुए 253.18 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया था। और इस बार बागी 3 से उम्मीद है कि ये आंकड़ा 400 करोड़ तक तो जरूर जा सकता है। टाइगर ने जितनी भी मेहनत की आप लोगों के लिए की है, यहीं छिल रहा है, कमर पे छिल रहा है, सर पे लग रहा है, बॉडी डिस्क शिफ्ट हो जाती है, सब हो जाता है। नंबर 2, साल 2019 में रिलीज हुई टाइगर और ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर। इस फिल्म ने तो सारे रिकॉर्ड से तोड़ डाले थे। एक्शन से लबरेज ये फिल्म साल 2019 की सबसे कमाऊ फिल्म बनी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। इतना ही नहीं, वॉर के बाद तो टाइगर का फैन बेस और भी बढ़ गया। ऐसे में अब वो लोग भी टाइगर की फिल्म को जरूर देखने पहुंचेंगे जिन्होंने वॉर में भी टाइगर के एक्शन को बहुत पसंद किया।